ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਿਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਉਣ ਚਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ हले 17 साल की मैं आख्या ही जो तू 18 साल की हो जाएगी फिर आप घर गल करना सर की लगता से हाँ जी हैगी पर मैं वास्ते 10 साल भी वेट कर सकता हाँ भाजी हो सिर्फ एक साल रह गया है मैं उ सोचा भी जो 18 साल की होगी फिर आप गल करा मतलब करवा हाँ जी मैं अज भी करा मैं अज भी चाहना वहाँ कि जो तीन ब्याह करा दो तो बड़ी वही गल होना चाहती है मैं बस हम मैं डर इस गल का वा कि रात मका के उन्होंने कि भाई मैं ना उन्होंने घर ना कुड़ी काम करती है एक तो ना भाजी वो 4 साल तो छोटी जी हुंदी आ गई उन्हें घर काम करती भाई वो बड़ा माड़ा सलूक कर देंदे ही तो मैं उन्हें प्यार करदा भाजी वह भी मेरे ना बहुत ज़्यादा करती भाजी उन्हें सामने ना चीज़ा खाते है तो उन्होंने तरसाते रहेंगे उन्होंने चीज़ नहीं देंगे भाई कोमल कुड़ी है भाई अच्छा तो जिन्होंने मार्केट की इन्होंने की नाम बंटी बंटी कहते भाजी प्रिंसीपल कहते स्कूल दे गए की काम करता स्कूल चलाते भाजी कि पता नहीं चलाते गुरामदास नर्सिंग स्कूल है भाई कितने करके भाई गोल्डन गेट के लागे है दर्शन एवन्यू ठीक है भाजी मैं उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ले देन गया पता नहीं इन्होंने शीशे था नहीं वेख लिया की किया मैं वापस जान लगा ये मैंने कहते एक मिनट गल सुन मेरी मैं गल सुन चल गया वहाँ इन्होंने मैं धू के पहलों उत्थे कुटिया भाजी नाल इन्होंने लागे मुंडे सद ले भाजी फिर ये मैंने कोठे ते लै गए फिर मैं सब तो उपर लै गए कहते इतने कैमरे लगे फिर उत्थे जा के भाजी इन्होंने मेरे सिर च बाले मारे आ फिर भाजी जो इन्होंने ज़्यादा मैनू कुटिया तो मैं कल्प गया हाँ मैं भजन की थोड़ी कोशिश की और फिर इन्होंने पिस्तौल कढ लिया पिस्तौल कढ के मैनू गोली मारन लगी भाजी मैं अगो पिस्तौल फड़ लिया भाजी मैं अपनी जान बचाने वास्ते बड़ा जोर लाया कि भाजी मेरे गोली ना मार दो मैं आटो चला वा भी रुपये 10-10 रुपये इकट्ठे करता वा मैं अपना घर चला वा वेलो इदा ना कर दो उन्होंने 3 गोलियां चलाइया भाजी उन्होंने एक मेरे ढिड वालू करके चलाई मैं बड़ा औखा हो गए पर पिस्तौल किया मेरे लागो की गोली लंघी भाजी इतों की फिर उन्होंने एक मैं जो इतना करना वह भी डिग गया मैं भी डिग गया तो उन्होंने जो गोली चलाई ना वो मेरे पैर दे इधरों की आवाज के भाजी इधरों लंघी गोली मारी पैर से भाजी तो डर पार हो गया हाँ जी भाई अच्छा फ्रैक्चर हो गया पैर सारा ठीक है तो संबंधी पुलिस को जानकारी दी हाँ जी भाई दिती भाई को भाई वो पैसे वाले है भाजी की मांग करते भाजी पैसे वाले है हड्डी कौन सुनूगा भाजी किन्ने बंदे महल वाले है उन्होंने वो उन्होंने वाल की गल करते क्योंकि वह अमीर है भाजी तुम की मांग करते मैं भाजी यही कहना वा कि जो सच है बस उ हो जाए मैं अज तक कोमल काम कर 17 साल हैगी भाजी 17 साल हैगी मैं भाई अज तक सिर्फ उन्होंने 4 बारी गया वा मैं वह भी उन्होंने चीज़ फड़ा के वापस आ गया वा 6 महीने तो मेरी कोमल के माँ प्यो कितने ने कुछ पता और वो प्यो की डैथ हो गई है तो वह अज नाले पिंड तो है छोटे सा रात कि टाइम है 10 बजे का है कुछ देखो मनते कोई मेरा नाम तो हरदीप सिंह है जी हरदीप सिंह मैं मुंडे का मामा है की कहना चाहते की गल देखो जी गल इस तरह के
ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਪੈਰ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:30-12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਲ ਆ, ਗੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰੂਪਲਾਲ ਜੀ ਆ ਡਰਸਨ ਐਵਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਕੇ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੂਪਲਾਲ ਜੀ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ। ਉਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ।